नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें से कुछ प्रश्न जरूर आपको आपकी परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 23 मार्च 1940 को लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें एक अलग से राष्ट्र की मांग की गई थी और उसका नाम पाकिस्तान रखा गया था। ये 23 मार्च 1940 को रखा गया था। इसी की स्मृति में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष का जो कारावास का दंड था वो राशिद अली को दिया गया था। बाकी शाहनवाज, आर के सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन को फांसी की सजा हुई थी, राशिद अली को 7 वर्ष की सजा हुई थी। तो इसमें आंसर बी होगा, राशिद अली। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसने दास प्रथा का अंत किया था? देखिए, कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किया था, जिसमें एलन बरो का भी नाम प्रमुख है। इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था 1843 में। एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक था। एक और इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया था, सिंध का विलय किया था इन्होंने 1843 में ही। दोनों काम उन्होंने किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे ने प्रथम सत्याग्रह कब शुरू किया था? देखिए, इसका आंसर भी इसमें नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था 17 अक्टूबर 1940 को। इसमें वो ऑप्शन नहीं है। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया था विनोबा भावे ने। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? मतलब सत्याग्रह शुरू किया तो उसमें कर किया क्या जाता था? सत्याग्रह में किया जाता था कि महात्मा गांधी के द्वारा निर्धारित जगह पर एक भाषण देकर प्रत्येक सत्याग्रही अपनी गिरफ्तारी देता था। बस यही काम किया जाता था सत्याग्रह में। तो ये पहले महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किसको चुना था? विनोबा भावे को चुना था। उन्होंने 17 अक्टूबर को ये सत्याग्रह शुरू किया था, 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 5 जनवरी 1941 से जनवरी 1942 तक सत्याग्रह किया था। इसमें लगभग 20,000 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 17 अक्टूबर 1940 होगा। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक ने ग्रीक और अरमेक दोनों लिपियों का प्रयोग किया था? वह कंधार है, कंधार के लेखों में उन्होंने ग्रीक और अरमेक दोनों लिपियों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, संगम काल में रोम शासक अगस्टस ने राजनैतिक संबंध किस वंश के शासक से स्थापित किए थे? देखिए, रोम के शासक अगस्टस ने पांडे जो थे उस वंश के शासकों से संबंध स्थापित किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी धरसना नामक सत्याग्रह के समय कहाँ थे? धरसना नामक ये नमक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1931 से की थी, जो कि 6 अप्रैल 1931 तक चला था, सॉरी 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो उस समय महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद देश में नमक जो कर था उसको तोड़ने के लिए कई आंदोलन हुए, कई सत्याग्रह हुए। उसमें धरसना सत्याग्रह जो कि गुजरात में है, धरसना भी गुजरात में है, वो सत्याग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले अब्बास तैयब जी ने इसका संचालन किया था। अब्बास तैयब जी ने ये 12 मई को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मई में हुआ था ये, मई 1930 में हुआ था। और उनको गिरफ्तार करके अब्बास तैयब जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 21 मई को सरोजनी नायडू और अबुल कलाम आज़ाद ने नेतृत्व किया था इस सत्याग्रह का। इसमें बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बहुत लाठियां भी मारी गई थी सत्याग्रहियों को।
और उस समय एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, उन्होंने इसका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे से इसको अखबार में छापा भी था इस न्यूज को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री किसकी अनुमति से खोली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री 1613 में खोली थी, स्थायी कारखाना था ये उनका। लेकिन उससे पहले भी एक फैक्ट्री जहांगीर की ही अनुमति से खोल चुके थे, वो मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में ही वो एक फैक्ट्री खोल चुके थे। तो ये इसका आंसर होगा, जहांगीर की अनुमति से 1613 में फैक्ट्री खोली थी सूरत में। निम्न में से लगान शब्द को क्या कहा जाता था? ये सारे ही खम्स, खराज, जकात और जजिया, ये सारे ही कर थे, राज्य द्वारा लगाए जाने वाले कर थे ये सब। लेकिन इसमें से लगान शब्द को क्या कहा जाता था? तो इसमें लगान शब्द को कहा जाता था खराज, लगान शब्द को खराज कहा जाता था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कब किया था? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल, देखिए वैसे तो उनके जो आंदोलन थे, सबसे पहला सत्याग्रह उनका चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन उसमें भूख हड़ताल का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने किया था अहमदाबाद की हड़ताल में भूख हड़ताल का प्रयोग, और उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए नवीनतम पद बरीद के क्या कार्य थे? इसमें या बाजार के लिए धन एकत्रित करता था, या बाजार से राज दरबार के लिए धन एकत्रित करता था, या बाजार में घूमकर उसका निरीक्षण करता था, या नए व्यापारियों को बाजार की तरफ आकर्षित करता था। तो इसका आंसर होगा सी, बाजार में घूमकर उसका निरीक्षण करता था, ये बरीद के कार्य थे। जैन ग्रंथों में, किस मौर्य शासक को सिंहसेन कहा गया है? वो मौर्य शासक है बिंदुसार, को जैन धर्मों में सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के किस राजा द्वारा की गई थी? ये की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। निम्न में से आपको शिवाजी की पत्नी का नाम बताना है, तीन ऑप्शन है, इसमें सही ऑप्शन है साईबाई निम्बालकर, शिवाजी की पत्नी थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुयायी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे, वो क्या कहलाते थे? देखिए, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे, उनको उपासक, कहा जाता था। नेक्स्ट है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह ने की थी। नेक्स्ट है, डंडा फौज, नाम छोटा लग रहा है लेकिन काम बहुत बड़े किए थे, का गठन भारत के किस राज्य में हुआ था? पंजाब में चमनदीप के द्वारा हुआ था। चमनदीप थे, उन्होंने डंडा फौज का निर्माण किया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए पंजाब में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमारे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।